हे गाइस वेलकम। तो आज हम आए हैं गुरुद्वारे, आप देख सकते हैं पीछे का व्यू। सो आंटी यहाँ का आज हमें परिचय कराएंगे। देखिए ये बाबा ने सोने का जन्म स्थान। ओके ये उन्होंने रूट साहब जिथे मतलब मत्था टेकते हैं। हाँ जी, उस तो बाद गुरुद्वारा साहब। चलिए पैसे लेते हैं। ये देखिए बच्ची छोटा सा, चलिए सर चलते हैं। शर्माती जगह ना ये मतलब इतने जगह बनी उन्होंने जितने शहीद हुए थे। इधर आंटी ए सी बनाते हैं? ए सी हाँ रखते हैं, मिट्टी से बना मिट्टी से बना के रखते हैं। छोटे छोटे डेले लगते हैं, तोड़ता नहीं सुन कोई भी, सिर्फ वो ही तोड़ते जेडे कोई मतलब छोटी जाति है, बाकी नहीं इन्हू छेड़ता कोई भी। ये हूँ बहुत घट गया शमशान साहब। हाँ जी बाबा जी का निशान साहब, बाबा जी हाँ उन्होंने नाम का ही है मतलब निशान साहब। प्यो का दीवा बालते हैं ना जो जगती रही। बाबा जी है वो सामने वाले। हाँ जी निकलना बाबे सोना जी ना थे। नगर कीर्तन निकलना हाँ जी तुसी बोलो। मैं बाबा जी ने मत सदा फिर तुम सारा कुछ दसेंगे। दो मिनट ये ना छेवीं पातशाह के वेले के होए शहीद सिंह। 1602 के करीब इन्हों का जन्म होया। 1642-43 के करीब इन्हों की शहीदी प्राप्त हुई है। ये मुगल हलोर के गुरु हरगोबिंद साहब शस्त्र भेंट करते रहे। तो जो मुगलों को पता लगे गुरु घर के सिख इतने प्रचार करते हैं, सिख संगत जोड़ते पे आ, तो उन्होंने पश्चिम दिशा के हम उ गऊशाला बनी है। तो उत्थे पुरातन समय के सारा जल उत्ते इकट्ठा होंदा सी। तो जल इकट्ठा होंदे बीबियां उत्थे इशनान पानी अपने पुराने समय वस्त्र धोंदियां सी। जाके जदों मुसलमानों ने उत्थे जाके कब्जा किया, जां ते अपना धर्म तब्दील कर लो ते जां सानू माली अपना टैक्स दो। तो जदों शहीद बाबा हिसवाना साहब ने इन चीज़ करने तों मना कर दित्ती, तो जो मना की फिर इन्होंने उन्होंने आके कब्जा किया। तो इन्होंने जाके अपने सिंघा के नाल उत्थे जंग लड़िया। जंग लड़न तो बाद जो जित प्राप्त हुई है तो आ जो रोड़ी साहब आ इतने आन के इन्होंने अपना शरीर त्याग तो इतने इन्हों का संस्कार हो 11.5 किलों के जन्म है। ठीक है। तो जिस तरह कह लो कि कोई वट भी छांकता है जां कोई कई मारता उन्हों भाव के अपनी भुल बख्शा पैंती है कि महाराज की कृपा ऐसी है कि जंगल के
दो तीन बूटे है जिदा कि बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ता हो बूटा जाने के रगड़ के नाल पीन के बुखार टुट जाता जिदा कि शुगर हैगी है वह पत्ते खाने के नाल शुगर ठीक हो जाती है। जिदा सारे कोई रोग है बहुत ज़्यादा कोई रोग हो दरख्त एक ऐसा है कि जिदा रोज़ का पत्ता खाने के नाल दो तीन महीने पत्ते खाने के नाल वो रोग सारे अंदर दूर हो जाते हैं। बाकी मानता बहुत ज़्यादा है जिस तरह जिद घर कोई पुत नहीं है कोई ला लो कि इलाज जिदा कोई सुनता नहीं या बोलता नहीं अरदास बेनती करने महाराज जी यहोजी कृपा है जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता है कि ताे घर कोई बच्चा नहीं होना तो 17 साल बाद उन्होंने पोतों की दातं बख्शी जे बच्चे बोल नहीं सकते वह बोलन लग पे जे सुनते नहीं सुन लग पे 10 दिन हुए भले इस तरह एक अरदास प्रवान हुई है कि उस शरीर में कैंसर से वो 2-3 महीने उन्हें उसे रोग जाने के सारे दुखों के पत्ते खाधे पत्ते खाने जे कैंसर वो सारी ठीक ही हो गई। तो जी इन धर्म पत्नी से ज़्यादातर इसे अंबा सती कहने कि उन्होंने अपने जप तप के नाल अपना शरीर उत्थे त्याग दिता सिर्फ 2 किले वगदे बाकी 11.5 किले के जंगल ना इन कोई वाह सकिया तो ना इन कोई रोक तो जो कोई वाह कोई रुख की कटाई करता है कुछ समा पा के वो अपनी गलती मान के भुल बुझ बाकी जो कोई अरदास करवाता ध्यान उस साल की अरदास वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी आज तू पत्ते दिखाने ये रोड़ी साहब जिद की अरदास बेनती करने वास्तरी अरदास करवा ये तपस्थान है अंदर बैड महाराज जोड़े जोड़े सारे बोलो ये शुगर के पत्ते ने जिदा रोज़ एक पत्ता खाने के नाल जाने के अंदर शुगर जी अपनी हैगी सारी दूर हो जाए। जे कि जंड ना वेख्या हो जंड बहुत गायब हो गए एक आ जो रोखे जंड दे पुरात समय के क्योंकि अजक जंड सारे गायब होंगे जाते हैं ये जंगल के घट्टो घट 52-53 जंड के रुख आप वेख सकते सारे शरीर के दुख अंदरों दूर हो जाते। अच्छा एक बार फिर से हैं ये पत्ते वो है दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हाँ जी सारे जो शरीर के अंदर ये तन तन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के संबंध के नगर कीर्तन सजा रहा जा रहा जो सारे नगर के वक्ो वक्खी पड़ावों तो होंदया हो ट्रैक्टर ट्राली राही सजाया जा रहा है ये संबंध के तैयारी की जा रही है। कम से कम 100 ट्रैक्टर ट्राली तो हज़ारा की संगत के नाल जो नगर कीर्तन रवाना होगा कल 8:30 तो शामों आन के इतने समाप्ति होगी उस तो उपरंत अस्तबाजी का जो दृश्य वो होगा तो इस तरह सारे ट्रैक्टर ट्राली संघारे जा रहे हैं। कल तेरी फोटो होगी बाबे के मोबाइल से पहुंच जाऊ हाँ तो फिर फोटो करनी करो गुरुद्वारे का लंगर हो रहा है अंकल जी से ये हमारे अंकल है अंकल जी का फेर किया है सॉरी प्रसाद वेलकम कुकड़ कल भी इतना अजीब है पर द्वारा करो ठीक है मान जी अपन